एनपीओ लेक्चर सिक्स से अपन शुरू कर रहे हैं आज का क्लास. इट्स अ लॉन्गर क्लास, इट्स अ 1 hour 15 minutes क्लास. लेट्स ऑल बिल्ड आवर फोकस एंड लेट्स स्टार्ट रिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल काफी गैप हो गया, आइए लेट्स रिवाइज सबसे पहले. सो एनपीओ क्या था वहां से शुरू करेंगे हम लोग. एनपीओ इज अ, चलिएगा बोलिएगा, एनपीओ इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन. Recreational activities. And not to unprofit. Is everyone thorough till here? Baki log, let's all start getting active, yaar. Let's all start getting active, everyone. Point number two. Abhi ye NPO ko chalata kaun hai? Agar aap mere ko aaram se members. Hum log ye NPO ka association of person ko bolte hain. Members. एनपीओ का एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाला लोग को हम लोग बोलते हैं मेंबर्स. सो एनपीओ का एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाला कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मेंबर्स. क्या ये क्लियर है आप लोग को? हाँ. और ये मेंबर्स लोग का पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड. अब ये मेंबर्स लोग किसको इलेक्ट करते हैं? मैनेजिंग इलेक्ट करते हैं मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी. एनपीओ इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. मोटिव इज सोशल वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ आर्ट स्पोर्ट कल्चर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड नॉट टू वन प्रॉफिट. एनपीओ वाला लोग को हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ये हम लोग का होते हैं मेंबर्स. ठीक है, इनका पैसा को बोलते हैं कैपिटल फंड और जनरल फंड. और ये मेंबर्स लोग इलेक्ट करते हैं मैनेजिंग और किसको इलेक्ट करते हैं? मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? रिप्लाई नाउ. हाँ भैया. एंड दिस एनपीओ इज ऑर्गेनाइज्ड एज, चलिए चलिए जोश रखिए, क्लब सोसाइटीज चैरिटेबल ट्रस्ट. चलेगा यहाँ तक? तो ये ऑर्गेनाइज होता है क्लब्स सोसाइटीज चैरिटेबल ट्रस्ट. एनपीओ एन एसोसिएशन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. का मोटिव है सोशल वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ आर्ट्स स्पोर्ट्स कल्चर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. ये एनपीओ वाला एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम लोग बोलते हैं मेंबर और इनका पैसा को हम बोलते हैं कैपिटल फंड और जनरल फंड. और ये मेंबर्स लोग इलेक्ट करते हैं किसको इलेक्ट करते हैं? मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटी. एंड दिस एनपीओ आर ऑर्गेनाइज्ड एज क्लब्स सोसाइटीज चैरिटेबल ट्रस्ट. Is everyone clear in my batch till here? Let's all reply quickly. Haan bhaiya. And it's association of person. Matlab ye members log ko. Sorry. Ye NPO ko chalane ke liye kya chahiye apne? Paisa. So apna next topic hi wohi hai. Sources of. पहले हम लोग गलत नहीं बोलेगा, कोई भी आराम से एक साथ जाएगा. पॉइंट नंबर वन, पहला सोर्स है members. ये मेंबर तीन तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं. एंट्रेंस फी इज आवर इनकम. पर इट कैन आल्सो बी आवर लाइबिलिटी इफ इट इज नॉट येट अप्रूव्ड. सब्सक्रिप्शन इज आवर, अगर आपको याद है तो इनकम. एंड लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी. ठीक है, प्लीज क्लासेस को सीरियसली लो यार. ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ भैया. और क्या हम आगे बढ़े? बताओ जल्दी से बताओ क्या हम आगे बढ़े.
सोशल फंड के अंदर मेंबर का हो गया तीन एंट्रेंस फी सब्सक्रिप्शन लाइव मेंबरशिप फी एंट्रेंस फीस आर इनकम और लायबिलिटी है लायबिलिटी कब होगा जब एंट्रेंस फीस नॉट येट अप्रूव्ड सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम एंड लाइव मेंबरशिप फी इज आवर लायबिलिटी इज दिस ओके फॉर माय एंटायर बैच हां भैया सेकंड पॉइंट डोनेशन एंड डोनेशन के अंदर है हम लोग का सिलेबस के अंदर तीन पहला डोनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं जनरल डोनेशन and this general donation will be considered as our income. चलेगा? हाँ. Specific donation. And specific donation से हम ये हम लोग का liability. से जो sum करेंगे हम लोग इसका accounting. Fund based accounting. तो इस हफ्ता में ये fund based accounting भी हम लोग को खत्म करना है. General donation income, specific donation liability. It is a fund-based accounting, and the last is legacy. And this legacy, if it is for a general purpose, yeah, the purpose is not income. Mentioned. Income. But if it is for a specific purpose liability. Defined. Liability. क्या ये आप तक समझ में आया है आप लोग को? हाँ भैया. Can I go ahead? पॉइंट नंबर सिक्स सोर्सेज ऑफ फंड्स के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ जब तक आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा आपको आगे समझ नहीं आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ के अंदर तीन चीज बनता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इनकम एंड पेमेंट्स अकाउंट Income and expenditure. Balance sheet. Income and expenditure. And तीसरा चीज क्या बनता है? Balance sheet. अब ये जो receipts and payments है, ये कौन सा basis पे बनता है अगर आप लोग हमको answer करें? Cash basis. Receipts and payments is prepared on cash basis, which will record only the cash transactions. जो भी कैश करंट ईयर में रिसीव होगा पर इट कैन बी ऑफ प्रीवियस ईयर इट कैन बी नेक्स्ट ईयर ऑल्सो कुछ याद आया इट रिकॉर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ आइटम कैपिटल कैश आइटम एंड बोथ कैपिटल Revenue as well as capital item. यहाँ तो clear है क्या? हाँ भैया. पर अपना income and expenditure prepared on what basis? Accrual basis. Which will record income of only of the current year. तो याद कीजिए RNP के अंदर current year है. प्रीवियस ईयर का पैसा जो इस साल मिला है और इस साल का पैसा जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है मतलब अगर हम शॉर्ट समरी में बोले तो इस आरएनपी के अंदर तीन चीज है प्रीवियस ईयर का पैसा जो इस साल मिला है अभी भी नहीं समझा है तो बोल दो हम वापस समझा देंगे जो भी प्रीवियस ईयर का पैसा इस साल मिला है जो करंट ईयर का पैसा इस साल मिला है आया ना हाँ और नेक्स्ट ईयर का पैसा भी कब मिला है चल ये आप हिंदी में बोल पाते हैं क्या अपने को इस साल में तीन चीज का पैसा आ सकता है लास्ट ईयर का पैसा आ सकता है इस साल का आ सकता है और अगले साल का आ सकता है यही तो बोल रहे हैं पैसा लेकिन इस साल आया है कब आया इस साल इसके लिए ये कहां पे रिकॉर्ड होगा आरएनपी पर इस तीनों में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली ये जाएगा क्योंकि ये इस साल का है समझ में आया हम क्या बोला हाँ भैया एक्सपेंडिचर में जाएगा इनकम ओनली ऑफ द करेंट ईयर प्लीज हमने बहुत बार समझा चुका है आर यू गेटिंग दिस क्लियर एक आरएमपी के अंदर इस साल तीन चीज का पैसा मिल सकता है पिछले साल का इस साल का और अगले साल का
नेक्स्ट ईयर को। अब बोलो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चीज। आरएमपी के अंदर हम लोग को जो रुपया मिला है उस रुपया के अंदर दो चीज इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ पैसा लास्ट ईयर का और कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का। ये दो चीज का पैसा मिला हुआ हो सकता है, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली क्या जाएगा? इस साल का करंट ईयर का, इस साल का प्लस जो पैसा इस साल का अभी तक मिला नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या बोलना चाह रहे हैं अब शायद। हाँ भैया, करेंट ईयर एंड रिकॉर्ड्स बोथ कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम एंड इट रिकॉर्ड ओनली व्हाट काइंड ऑफ आइटम? रिसीप्ट, रेवेन्यू, रेवेन्यू स्टोरी। सारा कैपिटल आइटम हम लोग का कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट। अभी भी नहीं समझा तो बोलो, वापस समझा देते, और तो कोई चॉइस हमको दिख नहीं रहा इसके सिवा। छह पॉइंट कवर किया है, एक एक बढ़िया से छह पॉइंट कवर किया है। क्या आप लोग यहाँ तक क्लियर है? नहीं है क्लियर, रिप्लाई करने का ड्यूटी आपका बनता है। हम ये बोलेगा इस पॉइंट पर क्लियर है भैया, क्लियर है भैया। और हमको पहले इसका आंसर करो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आरएमपी के अंदर पैसा कब कब का हो सकता है? लास्ट ईयर का इस साल, लास्ट ईयर का इस साल, नेक्स्ट ईयर का इस साल, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। और ये तीनों पैसा मिला कब है? इस साल, करंट ईयर, इस साल। तो लास्ट ईयर का पैसा भी इस साल मिला है, इस साल का पैसा इस साल मिला है, और कुछ पैसा इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। पर ये तीनों में से इस साल का खाली कौन सा है? करंट ईयर। हम लोग ये दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस, क्योंकि ये पूरा पैसा के अंदर ये दोनों भी तो मिला हुआ है, तो हम ये दोनों को क्या कर देते हैं? माइनस। और खाली कौन सा इनकम को रख देते हैं? करंट ईयर, करंट ईयर। आया हम क्या बोला? अब हम लोग का टॉपिक्स टू कवर। टॉपिक्स टू कवर, पहला टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या हम ये किया है क्या अभी तक? नहीं, तो हम ये नहीं करवाया। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, सब्सक्रिप्शन। क्या हम लोग ये शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी? हाँ, आज हम लोग सम्स करेंगे इसका। ठीक है, जब तक सब्सक्रिप्शन पूरा क्लियर नहीं हो सम करते रहेगा। ठीक है, तीसरा कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम। ठीक है, गया यहां तक भी भाई लोग? हाँ भैया। चौथा प्रिपरेशन ऑफ आरएमपी, वैसे हम लोग का हो चुका है, याद है लास्ट क्लास किया था प्रिपरेशन ऑफ आरएमपी, भूल गया क्या? Can you guys hear me? Am I audible still? Okay. Yeah. Preparation of RNP हो चुका है। Are you guys clear? आप लोगों को याद है? आप लोग last class बनाया था RNP? हाँ भैया। Preparation of income and expenditure and balance sheet। बोलिए जल्दी बोलिए, wait कर रहे हैं। Preparation of income and expenditure and balance sheet। हाँ भैया, प्रिपरेशन ऑफ आरएनपी सबको क्लियर है क्या? हम पूछ रहे हैं आप लोग से। हाँ भैया, हाँ भैया। आरएनपी का फॉर्मेट का बात करते हैं, ये साइड क्या साइड है हम लोग का? रिसीप्ट, रुपीस, पेमेंट। अब एक बात बताना, कैश एंड बैंक हम लोग का क्या होता है? चलिए स्लो रखते हैं क्लास को। एसेट, तो एसेट ओपन कहाँ पे होते हैं? डेबिट साइड। डेबिट। और क्लोज कहाँ पे होते हैं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीबी, दिस इज फॉर ओपनिंग बैलेंस। समझ गए होंगे? हाँ भैया। और इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। एज्यूमिंग कि ये क्या है, कैश एंड
बैंक बैंक लेकिन अगर एग्जाम में आपको बोल दे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है हम लोग का? लायबिलिटी। ओपन कहाँ पे होगा अगर आप हमें बता सकते? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। और क्लोज कहाँ पे होगी अगर आप डेबिट? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बाई बैलेंस बैलेंस बीबी। ये हम लोग खाली कब लिखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। समझा? और यहाँ पे बैलेंस कब आएगा? जब क्या है? ठीक है क्या? हाँ भैया। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ओपन होगा डेबिट साइड पे और क्लोज भी होगा डेबिट साइड पे? क्या ये पॉसिबिलिटी है? यस। स्टार्टिंग में हम लोग का क्या चल रहा था? बैंक बैलेंस चल रहा था। हाँ। पर नीचे जाके ये क्या बन गया है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। अब हमको एक बात बताना, हम सब में ऐसे बोल रहे हैं, आपको ऐसा बोल रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट एज ऑन 1st April, ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है? जल्दी से बताओ हमको पहले तो। ओपनिंग अप्रैल बोल रहे हैं, क्या बैलेंस होगा यार? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग। देखो ना, खाली दो तीन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार, यू गाइस कैन ऑल कम स्टार्ट रिप्लाइंग। सम शुरू हो चुका है। हम बैंक ओवरड्राफ्ट का बात कर रहे हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का क्या होता है अगर आप हमको आंसर कर सकते? लायबिलिटी। लायबिलिटी। वीडियो क्लास स्पीड में पढ़ाएगा ना, क्लास स्लो हो जाएगा। हम फेस टू फेस स्पीड रखना चाहते हैं, तो आप तुरंत तुरंत रिप्लाई करो ताकि आप बोर फील नहीं करें क्लास के अंदर। बैंक ओवरड्राफ्ट एज ऑन 1st April, 1st April इज द फर्स्ट डे। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का क्या होता है? लायबिलिटी। का ओपनिंग बैलेंस कौन सा साइड पे आता है? हमें आंसर हम यहाँ से शुरू होगा, हम क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। अब ये बंद कहाँ होगा वो सम करने के बाद पता चलेगा। क्या ये यहाँ पे बंद हो सकता है क्या? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। हाँ, 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 यहाँ पे बंद हुआ ना, तब ये बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तब ये क्या है? बैंक एसेट। लेकिन अगर ये यहाँ पे बंद हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। एंड विच इज अ लायबिलिटी। ये बेसिक्स है अकाउंटेंसी का। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम क्या पढ़ाया है यहाँ तक। तो यार अपना बैंक इज एन एसेट। इसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट। डेबिट। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। समझ में आ गया सबको? हाँ। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है लायबिलिटी, क्या होता है? लायबिलिटी। एंड ये लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट। एंड क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। डेबिट। पर कैश जो है ना भाई मेरा, वो हमेशा क्या होता है? Asset. Cash can never be negative. It will always have an opening balance of debit. And closing balance of credit. Done. Reply करने का duty आपका है, clear not clear? Clear. Sure. आ गया. बैंक ओवरड्राफ्ट कैश, क्या ये तीनों आप लोग को 100% क्लियर हो गया? शुड आई रिपीट या ये सॉर्टेड है आप लोग के लिए? सॉर्टेड। तो यार ये हम लोग आरएनटी का सम किया था, दो सम किया डीके गोयल का, तो पहले डीके गोयल खत्म करें, सैंपल पेपर में और सम से वहां से भी करवा देगा। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? हां भैया। आप लोग को मेरा वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है अभी भी या कोई दिक्कत है? तो प्रिपरेशन ऑफ आरएनटी हो चुका है हम लोग का। अब हम लोग आज का क्लास में किस में फोकस करेगा? सब्सक्रिप्शन। क्या आप लोग रेडी है मेरे साथ? अगर रेडी है तो रिप्लाई कीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा सुन के। मैं थोड़ा सा बोलो ना क्लास के अंदर यार, तो बोर कर देते तुम लोग क्लास में। कैन वी स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन? पूछ रहा हूँ आप लोग से। हाँ भैया। सब्सक्रिप्शन आपका, जिन लोग का ओल्ड बुक है, मतलब आप लोग का बुक का बात कर रहे हैं, आप लोग का बुक का इलस्ट्रेशन 8 से है सब्सक्रिप्शन। तो हम 1 करवाए, अब हम 8 में आए, हम अपने आप करवा देगा लाइन से, आप लोग को पता है हम कैसे पढ़ाते हैं। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 से लेके 15 तक सब्सक्रिप्शन है। अगर आज हम लोग ये सारा कर सकते हैं तो ब्रिलियंट है। ये ओल्ड बुक के हिसाब से जो आप लोग का बुक है
उसमें सब्सक्रिप्शन कौन सा सम में से अगर आप हमको रिप्लाई कर सकता है तो एट से लेके कहां तक 15 और जिनके पास पीडीएफ है जो पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं उनका है ये नया बुक है बेसिकली इस साल का एडिशन न्यू बुक दैट इज फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 15 ये चल रहा है आई स्पेसिफाइड वेरी क्लियरली व्हाट वी आर डूइंग आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन हां भैया अब अभी जब हम 8 टू 15 करेगा ना हम सम प्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं सोचेगा हम खाली सम करना सीखेगा तो जब हम पहले चारों छोटा टॉपिक कराएगा तो हम फिर से एक क्लास लेगा उसमें आपको प्रेजेंटेशन और सब सिखा देगा कैसे करता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहे अपना छतरी बना बना के आंसर निकालने पे फोकस कर रहे हैं क्या मेरा पूरा बैच रेडी है 200% तो बताइएगा जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 या फिर इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो भी आपका कंसर्न बुक है उसके हिसाब से Once you are ready with the book, PDF, जो भी है, please जोश लाइएगा क्लास के अंदर सम है सम रेडी हाँ भैया सबका रेडी हाँ भैया रिप्लाई कम हो गया क्लास के अंदर रेडी 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 ठीक है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन हमको एकदम 200% अटेंशन चाहिए क्लास के अंदर और मेरा बैच का स्पीड है सब्सक्रिप्शन 30 seconds 1 minute maximum. Following is the information relating to subscription of Savera Club. Kiska subscription banane bola agar aap humko answer dein. For the year ended 31st March 2016. Year ended 31st March 2016 ke liye banane bola hai. To hum log ka year kab se kab tak agar aap ye nahi bol sakte na humko sharam aa jayega. First April 2015. Kya aapko ye samajh mein aata hai? Haan bhaiya. Theek hai. Ab ek kaam kijiye. फटाफट से छतरी बनाएगा हम लोग याद आ रहा है कुछ रिप्लाई चाहिएगा क्लास सम कर हां भैया अब छतरी में बताइए पहले आप जो बोलेंगे वही करेंगे समझ छतरी के अंदर पहले आरएनपी डेट आरएनपी आंसर किसका निकालेंगे आईएनडी ऑल दोस हु डोंट स्पीक दे कैन नॉट दे आर नॉट हेल्पिंग इन अ वीडियो क्लास इन द स्टार्टिंग डेट क्या डेट लिख के बैठेंगे हम लोग बहुत बढ़िया एंड द लास्ट डेट हम लोग क्या लिखेंगे 31st 2016 अगर 8 टू 15 सम कर सकते हैं इससे बेटर कुछ 8 टू 13 भी कर लेगा तो बहुत बढ़िया कवर होगा 1415 31316 ऊपर में आरएनपी नीचे क्या लिखे हम लोग आईएनई यहां तक सबको क्लियर है क्या यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखता था अगर आपको याद है और इससे क्या खींचते थे और यहाँ पे क्या चीज का सिंबल देते थे अब सुन लो एक लास्ट टाइम बता देते हैं शुरू का दिन में आउटस्टैंडिंग है मतलब ये कब का पैसा है लास्ट ईयर सुन लो फोकस आउटस्टैंडिंग शुरू में है तो ये कब का पैसा है लास्ट ईयर जो मिलेगा कब इस साल कब का पैसा है लास्ट ईयर का जो मिलेगा कब इस साल फोकस रिप्लाई क्लियर हां भैया थैंक्स एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया है क्या हां भैया एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि इसका पैसा तो कब मिल चुका है शुरू में लास्ट ईयर पर है कब का इस साल का बाकी यार हम लोग को सिंबल तब तक याद हो जाना चाहिए था वही लॉजिक एग्जाम में इतना सोचेगा कौन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के लिए एग्जाम में क्या वर्ड आएगा अगर आप हमें बता सकते हैं तो फॉर करंट ईयर मतलब इस साल का दैट विल बी फॉर द ईयर एंड बॉक्स मतलब आज तक का तो एज ऑन या आजाद का सिंबल प्लस प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट दिन पे माइनस नेक्स्ट ईयर के लिए उसके लिए हम लास्ट डे पे बोलते हैं एडवांस क्योंकि इस साल का पैसा नहीं है नेक्स्ट ईयर का है क्योंकि नेक्स्ट ईयर का इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस ये फॉर्मेट हो गया रेडी सबके लिए अब देखो हम हर सम में इतना फॉर्मेट नहीं बोलेगा सीधा सम करेगा स्पीड में क्या आप लोग को यहाँ तक फॉर्मेट पूरा क्लियर हो गया है क्या हाँ भैया अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015-16 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
during 2015-16? This is what my question is. Subscription received. कहाँ जाएगा अगर if you can answer to me. RNP. RNP and the RNP amount will be 70,000. Do you guys agree with me? Moving forward. Subscription outstanding on 31st March 2015. Subscription outstanding on 31-3-15. 31-3-15 is as good as 1-4-15. Kitna rupee outstanding hai? 17,000. Ab mera question ye hai. 17,000 में से कितना रुपया मिला है क्या इन लोग ये बताया है कि अगर आप हमें कुछ भी बोला है पूरा सम में जल्दी से पढ़ लो बाकी डेटा नहीं तो वी विल अस्सुम कि हाउ मच डिड वी रिसीव इन द एंटायर ईयर 17,000 आउट ऑफ 17,000 वी रिसीव द एंटायर 17,000 दिस प्रीवियस ईयर विल बी अस्सुम टू बी जीरो यस या नो से कितना रुपया माइनस करना पड़ेगा I'm ready to repeat once again if you guys are still not clear. समझ गया मैं. What is the next data given? Let's keep our energy going high. Subscription received in advance on 31st March 2015. Subscription received in advance on 31st March 2015. 31st March 2015 का मतलब है 1415. What is the subscription amount? If you guys can reply to me. 3250 कहाँ लिखेगा पता है आप लोग को 3250 लिख रहा है और इस 3250 को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा इसलिए I will just tell every one of you guys you have put in so much efforts to come this far it's about the last shift that's it I can understand you guys are frustrated in the entire year everyone is even me as a teacher is there on off for every year But we cannot help the cause. Let's focus. Let's do 40-50 sums. Karne. Let's get it done, guys. Itna practice kiya. Itna practice. Imagine how many times you have done shares. How many times you have done admission. Kitna sums you have solved in retirement. There is no count. Valuation of goodwill. Debenture teen bar kar chuke starting ke sums. 20 sums. There is no count of the number of times. Your third book ka theory we have revised 5-6 times. You cannot screw it up. Remember cash flow ka ledgers. Kitne ledger banaye the apne copy ke andar. Ab is point of time pe last closure pe if you guys are not attentive then how can I help you guys it's a request ki let's build our focus and let's concentrate I hope this is clear to my entire yahan tak everyone is clear with the sum okay. I just motivated you guys yaar yahan tak clear hai sab log theek hai next subscription received in advance on 31-3-16 subscription received in advance on 31-3-16 kya hai ye bataiye jaldi se closing subscription advance subscription how much is the advance subscription 4670 kya karenge hum log yahan se minus bas speed badhao na aap log slow ho chuke hai class ke andar yaar subscription outstanding on 31st march 16 subscription outstanding on matlab aaj tak ka to ye kahan pe jayega agar aap humko reply kar sakte box kyunki previous year zero hai to mera current year bhi kitna aa gaya 11 to 50 and is 11 to 50 ko hum log yahan se kya kar denge add plus ab isse kya cheez ka answer nikal lega I am wait kar raha हो गया क्या यहाँ तक तो आईएनडी का आंसर आईएनडी का आंसर इफ यू गाइस कैन रिप्लाई 62,830 आंसर नहीं आया गाइस 62,830 अभी एग्जाम में कैसे लिखेगा उसमें फोकस ही नहीं आपको पता है हम कैसे पढ़ाते हैं अभी उसमें वो कर सम करना सीख लेते हैं क्या यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया हाँ भैया हाँ भैया सुनो हमको नेक्स्ट सम सब स्पीड चाहिए तो कैन वी गेट अ स्पीड कैन वी गेट अ मूव ऑन हाँ भैया हाँ भैया इलस्ट्रेशन नंबर 9 11 पुराना बुक 9 नया बुक 11 रेडी हाँ भैया क्वेश्चन पढ़ो स्पीड लाओ Receipts and payments accounts of Young Association NPO का नाम क्या है Young Association. Association. Disclose that it has received rupees 2 lakh. कितना रुपया receive हुआ है?
2 लाख 2 लाख 2 लाख बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन से 2 लाख रुपया मिला है ये बता दिया है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016. जो भी डेट है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016. लेट मी फॉलो द पीरियड, इट विल बेटर. उनका नया ईयर के हिसाब से होगा शायद, मेरे हिसाब से. ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग आपका बुक में 31st मार्च 2016. जो भी ईयर एंडिंग है बताइए उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, अगर आप हमको जल्दी से बता सकते हो तो. क्या है अपना ईयर? 1415 to 31 16. उनका बुक में 2021 है, तो उनका ईयर क्या होगा? 1420 से लेके 31 3 2021. तो ईयर ही है यार, ईयर तो सब समझते हैं मेरे हिसाब से. हाँ. इधर में क्या बनाएंगे? फिर गाइस कैन रिप्लाई टू मी. छत्री आरे 1415 31 3 16. और यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे अपन? RNP IND चलेगा. हाँ. स्टार्टिंग में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सिंबल माइनस एडो देन एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो एरो प्रीवियस ईयर करंट ईयर प्लस. Guys, are you able to follow the class? हाँ भैया. हाँ भैया. Any day last year's video qualities are far better video classes. I can agree on that for sure. I hope everything looks good till here. आप लोगों को समझ में आ गया format? चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन पढ़ना. Receipts and payments accounts of Young Association disclose that it has received rupees 2 lakh. कितना रुपया receive हुए हैं? 2 लाख. लाख. RNP कितना? जल्दी 2 लाख. 2 लाख. तो RNP it is 2 lakh rupees by way of subscription during the year ended 31st March 2016. ठीक है. Additional information. Subscription outstanding as on 1415. Subscription outstanding as on 1415 कहाँ पे आएगा अगर आप हमको बता सकते हैं अभी? Starting date पे outstanding. यार वो डेट्स आप देख सकते हैं ना. तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1420 होगा दूसरा पीडीएफ के लिए. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया होगा जल्दी से बता दीजिए प्लीज. 5000. अब कुछ बोला है लोग 5000 के बाद कुछ बोले हैं. आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 2015-16. 2500 कितना रुपया मिल गया इसमें से? 3500. जितना रुपया मिला है आरएनपी में उतना ही होगा. तो उतना हटा दीजिए क्योंकि ये लास्ट ईयर का है. तो बच गया है वो कहाँ जाएगा? प्रीवियस ईयर. तो हमको लास्ट ईयर का 5000 रुपया मिलना था. 5000 में से इस साल कितना मिल गया? 3500. पर 3500 इस साल का नहीं है, लास्ट ईयर का. उसके लिए माइनस कर दिया. अभी भी कितना रुपया मिलना बचा हुआ है? 1500. आइए नेक्स्ट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/15 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000 रुपया प्लस कर दे. डन. हाँ भैया. Subscription received in advance on 31/3/16. Minus charge that extra. नहीं समझा क्या अभी भी? समझ गया. And the last चीज आगे पढ़ना पड़ेगा. Show how will the subscription will appear in income and expenditure. निकालने बोल रहे हैं. For the year ended 31/16 and the balance sheet as at that date in each of the following alternative cases. You know na, har case ka sam alag alag karne padta hai. To hum log pehle kaun sa case kar rahe hain? A. One. Case one ke andar ya case A ke andar bola hai. If the subscription outstanding for 15/16 ya 2021 outstanding for bola hai. For. Ye for wala data kaha jata hai? Current year. So total. 79. इसमें से करंट ईयर में कितना प्लस होगा? 6400. इससे आंसर क्या आएगा अगर आप हमें बता सकते हैं तो जल्दी से? 2,18,000. 2,18,000. ये केस नंबर ए है क्योंकि इसमें बोला था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर. फॉर मतलब इस साल का है. तो ये डेटा कहाँ जाएगा अगर आप हमें बता सकते हैं तो? करंट ईयर. क्या बोला? अभी भी नहीं समझा गया आप लोग? समझ क्या भाई? गाइस शुड आई रिपीट या ये क्लियर है? नहीं है क्लियर, रिप्लाई करो जल्दी से यार. कैन यू ट्राई?
केस बी ऑन योर ओन? क्या ट्राई कर सकते हैं केस बी एक बार खुद से? गाइस वेट कर रहे हैं हम रिप्लाई का। हाँ भैया करिए। फिर से नया सम बनेगा पूरा का पूरा। हो गया भैया। ऑलरेडी हो गया। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके शुरू करें डिस्कशन। हाँ रेडी। हाँ भैया। अपना ईयर कब से कब तक? 1/4/2015 से 31/3/16। एनर्जी लेवल कहाँ गया? 1/4/15 से लेके 31/3/16 बीच में क्या लेंगे? आईएनपी माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एरो। रिदम है बस। माइनस प्लस प्लस माइनस ठीक है यहाँ तक सबके लिए सिंबल्स। हाँ भैया। हाँ भैया। अब बताओ रिसीव में कितना रुपया लिख के बैठा हुआ आप लोग? तो पहले का ही है 2 लाख। बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना रुपया आउटस्टैंडिंग था? 5,000। कितना था? 3,500। 3,500 को करेंगे माइनस और प्रीवियस ईयर में कितना लिख रहे हैं हम लोग? 1,500। क्लियर नॉट क्लियर जल्दी से बताइएगा। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/15 कितना रुपया? 3,000। 3,000 को यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/16 कितना रुपया? 4,100। ये 4,100 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। भाई अभी भी क्लियर नहीं है तुम वापस समझाने के रेडी? आप बता दो यार थोड़ा जल्दी से। क्लियर है भाई। लास्ट में बोला है इफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉल वाला केस तो होगी हम लोग कौन सा नंबर केस कर रहे हैं? बी। इफ द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन का मतलब बॉक्स। आज तक का कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 6,400। पर अपना साल का कितना है? 4,900। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली वो जाएगा जो इस साल का है। इस साल का कितना रुपया? 4,900। आंसर कितना आएगा? 2,300। Done. Should I repeat? Yeah, this is sorted. बता देना जल्दी से। Sorted. Guys, समझ में आया नहीं है? 2 सम हो चुका है बुक से, जल्दी से बता दो यार एक बार। हाँ भैया। श्योर हम आगे बढ़ सकते हैं? श्योर है आप लोग? हाँ भैया। तब हम लोग आपको बुक से कौन सा नंबर सम कर रहे हैं अगर आप हमें रिप्लाई कर सकते हो तो थोड़ा सा। कौन सा नंबर सम में जा रहे हैं हम लोग? 10। और अगर कोई पीडीएफ फॉलो कर रहा है तो उनका नंबर 12 है। एक बार ट्राई करो खुद से फिर हम तो डिस्कस करेंगे।
हो गया भैया। हो गया भैया। कितना रुपया जाएगा ये निकालना है फॉर द ईयर 2016-17, फॉर द ईयर 2016-17, फॉर द ईयर 2016-17, तो अपना ईयर कब से कब तक अगर आप हमें आंसर कर सकते हो तो प्लीज जल्दी से। 1416 से 31 से 17। ये डायग्राम बना रहे हैं। आप लोगों को सब में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? बोलो यार। नहीं भैया, यहाँ पे क्या लिखेंगे बीच में? शुरू करें, लेट्स ऑल स्टार्ट। यहाँ पे क्या लिख के रखे हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पहले फॉर्मेट बना लिया करो, प्लस यहाँ से क्या खींचेंगे अपन? एरो, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्लस, दो एरो आएगा इसमें से, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर बॉक्स बॉक्स, तो माइनस प्लस प्लस माइनस। इज दिस ओके फॉर माई एंटायर बैच? हाँ भैया। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 16-17। उसके हिसाब से अपन ने डायग्राम बना दिया मस्त सा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आरएनपी में 80,000, आरएनपी के अंदर कितना रुपया? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16 मतलब कब का आउटस्टैंडिंग है ये? बिगिनिंग में। यस या नो? 31/3/16 तो साल का शुरू में कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 26,000। देखो कुछ बोला हुआ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 आर स्टिल इन एरिया। स्टिल मतलब अभी का नहीं है, कब का है? पिछले साल का। तो हो सकता है कोई बड़ा सम में अगर ऐसा वर्ड आए ना, स्टिल इन एरियस, स्टिल इन एरियस मतलब ये कहा जाएगा? प्रीवियस ईयर में कितना रुपया आएगा जल्दी से बता दीजिए? 2000। आरओ में कितना आएगा? 24,000। माइनस 24,000 को हम यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस 80 में 24 मिला हुआ है जो पिछले साल का है, और 2000 तो अभी भी मिला ही नहीं है। ये तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/17 ऑन 31/3/17 बॉक्स में 6,000। आज का आउटस्टैंडिंग 6,000 है मेरा भाई, पर इस साल का कितना है? 4,000। ये 4,000 को यहाँ जाके क्या कर ठीक है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/16 कितना रुपया? ये 10,000 को हम यहाँ पे क्या करते हैं? इससे क्या चीज का आंसर आ जाएगा हम लोग का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना रुपया आ जाएगा? 65,000। तीन सम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप बताएंगे आपको समझ में आए हैं या नहीं आए? आया भैया। क्लियर है? हाँ भैया। कैन वी गो अहेड देन? अगर आप लोग क्लियर है तो। हाँ भैया। हाँ भैया। इलस्ट्रेशन नंबर 11, अपना बुक का 11 है, पुराना बुक का, नया बुक के अंदर दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये सम हम करवाएगा पूरा का पूरा। आई वांट कंप्लीट फोकस बिफोर आई स्टार्ट। रेडियो में से बताना।
रेडी है भैया. चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 11/13. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, निकालना है कितना सब्सक्रिप्शन मिला है बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब, बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/18. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/18 मतलब अपना ईयर कब से कब तक का, अगर आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं. 1/4/17 से 1/4/17 से 31/3/18. कैन यू ड्रॉ द डायग्राम मेरे लिए क्विकली? हाँ भैया. यहाँ पे क्या लिखेंगे? आरएनपी. फिर यहाँ पे 1/4/17 सब्सक्रिप्शन, और यहाँ से क्या खींचेंगे? एरो माइनस. एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस. फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से दो चीज, करंट ईयर बॉक्स. करंट ईयर बॉक्स एंड लास्ट में एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस प्लस प्लस माइनस. एंड बीच में क्या आएगा यहाँ पे? आईएनई. Once you're ready, let me know. पूरा फॉर्मेट रेडी करके बता देना. रेडी 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 भैया. ठीक है, तो अब इन लोग बुलाया है. सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/17 को. 31/3/17 मतलब कौन सा डेट हो गया? ओपनिंग. तो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना बोला अगर आप हमें जल्दी से? 3000. इसे इन लोग हम लोगों को निकालने क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. रिसीप्शन को ये निकालने बोल रहे हैं. इसको आप एक्स टाइप ले लो मैथ्स वाइज. हां, क्या हम सिंबल विंबल चेंज करेगा? नहीं मेरा भाई, आई विल टेक जैसे हम सम करते वैसे ही करेगा. इसको क्या मान लीजिए एक्स? एक बार के लिए प्रेजेंटेशन कैसे करना बात का बात है एग्जाम के लिए. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? सिंबल विंबल मत चेंज करो, क्यों दिमाग लगा रहे इतना? क्लियर यहाँ तक? हाँ भैया. आप ओपनिंग एडवांस कितना दिया हुआ? 3000. इस 3000 को यहाँ पे हम लोग इससे क्या करेंगे? x से क्या करेंगे? प्लस. समझ में आया हम क्या बोला? हाँ भैया. अब क्लोजिंग एडवांस कितना रुपया दिया हुआ है? 4500. इससे क्या करते हैं हम लोग? तो ये हम लोग आरएनपी से प्लस माइनस करते हैं आईएनडी निकालने के लिए. हम भी तो सेम ही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के शुरू में कितना रुपया आउटस्टैंडिंग बोला है? 4800. अब ये 4800 में कुछ बाकी है या क्या मिला है? क्या ये बताया है कि आपको? दो ही तो चीज सोचना है. नहीं, मिल गया या कितना बाकी है? दोनों नहीं बोला है. पैरों में कितना आएगा? 4800. 4800 को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस. ये सब सब आरएमपी से होता है, पर इस समय तो आरएमपी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे. ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है आरएमपी. क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या बन गया है? जीरो. फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/18, तो ये फॉर द ईयर नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक डेट पे है. कितना रुपया? 6000. ये बहुत है. और इसमें प्रीवियस ईयर जीरो है तो करंट ईयर भी कितना हो गया? 6000. क्या यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया सबको? द क्लब हैज 2000 मेंबर्स. क्लब के पास कितना मेंबर्स है? 2000 मेंबर है तो 2000 मेंबर है हर लोग पे करते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 2000 लोग पे करते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 तो 2000 इंटू 500 कितना रुपया का हिसाब बनाओ 10 लाख. ये 10 लाख रुपया कहाँ गया? अब ये पता है एक्स निकालना है भाई, मैथ्स ही तो करना है. ये इसमें लोग को कंफ्यूजन होता है, हमको शर्म आ जाता है एकदम. अभी कैसे डाउट हो सकता है? ये आंसर निकालना, निकाल लीजिए ना भाई. मिसिंग फिगर है, करने चला है मैथ्स का इंटीग्रेशन, ये सब होता नहीं है. निकालिए इसका आंसर. 10,300,000. कितना आया आंसर?
10,300,000 अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया क्या, जल्दी से बता दो. आ गया. श्योर आर यू गाइस क्लियर 100%? रिप्लाई का वेट कर रहे हैं. हाँ भैया. हाँ भैया. अभी हम लोग चार सम इलस्ट्रेशन का सॉल्व किया, 8, 9, 10, 11. ये आपका बुक से है और मेरे पास जो बुक है न्यू बुक, ये आपका एडिशन है. जो मेरे पास बुक पढ़ा हुआ है दैट इज अ न्यू बुक दैट आई सॉल्व फॉर 10, 11, 12, 13. क्या ये इलस्ट्रेशन आप लोगों को पहले बोलो क्लियर हो गया है क्या? हाँ भैया. अब आइए हम लोग बैक साइड क्वेश्चन में जा रहे हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 8 या फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो भी है. Once you're ready, let me know. हम लोग बैक साइड करेगा अभी चार सम का. इलस्ट्रेशन बैक साइड दोनों क्लास में ही करवा रहे, इससे डिटेल में तो क्या पढ़ाएगा मोर. शुरू कर सकते हैं हम? हाँ भी. आइए क्वेश्चन नंबर 8 या फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो भी है आपका. As per receipts and payments account for the year ended 31st March 2017. As per receipts and payments for the year ended 31st March 2017. 31st March 2017 मतलब ये कब से कब तक है, अगर आप हमको बता सकते हैं जल्दी से प्लीज. 1/4/16 से 31/3/17. 1/4/16 से लेके 31/3/17. क्या साथ में फटाफट से डायग्राम बना ले. आरएनपी आउटस्टैंडिंग सब डेट लिखना पड़ेगा. सॉरी 1/4 गाइस लेट्स ऑल स्टार्ट रिप्लाइंग ना क्लास के अंदर थोड़ा सा. बाकी लोग जो लोग कर किए नहीं अभी तक रिप्लाई माइनस. चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ भैया. कैन आई स्टार्ट द सम? कैन आई स्टार्ट द सम? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस नाउ. हाँ भैया. हाँ भैया. रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 द सब्सक्रिप्शन रिसीव वर रुपीस कितना रुपया सब्सक्रिप्शन रिसीव 6,00,000. आरएनपी कितना रुपया लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? 6,00,000. ठीक है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16. 1/4/16 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया है? 60,000. अब देखो कुछ बोला है क्या इसके बारे में? अगर कुछ नहीं बोला है तो मैरो में कितना लिखेगा ये हम लोग को रिदम में पता होना चाहिए. 60,000. तो मैरो में भी 60 आ गया तो माइनस भी कितना होगा अगर आप हमको बोल सकते हैं जल्दी से? 60,000. प्रीवियस ईयर बिकेम 0. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 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 का मतलब आज तक का कितना रुपया है बॉक्स में? 40,000. करंट ईयर भी कितना हो गया? 40. तो प्लस कितना करेंगे? 40. अब एडवांस ऑन 1/4/16 तो ओपनिंग डेट पे एडवांस कितना रुपया है? 32,000. 32,000 को क्या कर दिया हमने? प्लस. फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31/3/17 कितना रुपया? 38,000. इसको हम लोग क्या करेंगे? वेट कर रहे हैं. समझ गए होंगे अभी तक तो आप लोग शायद. हाँ भैया. क्वेश्चन नंबर 9 स्लैश क्वेश्चन नंबर
ट्राई करना चाहोगे एग्जाम भैया? हाँ भैया, मेरे को जाना होगा क्राइस्ट का इंटरव्यू, एक बार एग्जिट कर ले प्लीज। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9/क्वेश्चन नंबर 11 आई एम वेटिंग, प्लीज स्टार्ट डूइंग द सम नाउ। सिद्धांत राइट है आपका आंसर। हो गया भैया, हो गया भैया, हो गया भैया, हो गया। सबका हो गया? हाँ भैया। Can I start the discussion? The Chennai Sports Club received, the Chennai Sports Club received ₹6,50,000 by way of subscription. Chennai Sports Club को मिला है ₹6,50,000 by way of subscription during the year ended 31st March 17. During the year ended 31st March 17. तो कब से कब तक का ही है? 1/4/16 से लेके 31/3/17. Yes या no? तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 1/4/16. यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 31/3/17. बताइएगा सेंटर पे क्या लिखा है आप लोगों ने? आरएनपी आईएनपी फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आरओ माइनस का सिंबल एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या चीज का सिंबल प्लस। गाइस आर यू गाइस डूइंग द क्लास? आप लोग रिप्लाई कोई भी नहीं कर रहा यार, वो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग यार। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो चीज, लास्ट में एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस। अब बताओ यार ये कितना रुपया आरएनपी के अंदर आएगा, कितना रुपया रिसीव हुआ अगर आप हमें रिप्लाई कर सकते? 6,50,000। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/17, तो सब्सक्रिप्शन कितना रुपया एडवांस में रिसीव हुआ 31/3/17 में अगर आप हमको आंसर करें? 10,000 माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। तो इससे क्या करेंगे? -10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/16 कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 20,000। पर इस 20,000 में से कितना रुपया हम लोग का साल में मिल गया है? 16,000। इस 16,000 को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? माइनस। एंड दिस प्रीवियस ईयर विल बी 4,000। On 31/3/16 कितना रुपया? 75,000। This will be added. And subscription received in advance. Subscription outstanding for 16/17. Subscription outstanding for 16/17. Current year 25,000. Total हो गया 29. पर क्योंकि हम लोग को तो current year का निकालना है, यहाँ पे कितना plus हो जाएगा? 25,000। जो भी बुक रेफर कर रहे हो प्लीज ट्राई द सम ऑन योर ओन, आई विल डिस्कस द सम। प्लीज जेन्युइनली ट्राई करो सम।
हो गया है हेलो समझ में तो आ गया ना टॉपिक यार इतना सब प्रैक्टिस कर लिया हम लोग समझ में आया है आप लोगों को टॉपिक हाँ भैया हाँ भैया कर लिया ये वाला सम तो रिप्लाई करना है ना क्लास के अंदर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं हम लोग सेंटर पे क्या लिखोगे था सब बताओ बीच में आरएनपी नीचे क्या लिखेंगे हम लोग जो उसको हाई आईएनपी अब फॉर द ईयर 16-17 का बात चल रहा है तो स्टार्टिंग डेट 1-4-16 एंडिंग डेट 31-3-17 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस और यहां से क्या खींचेंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर करंट ईयर बॉक्स एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस क्या आप रेडी है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर अगर आप हमको ये बता सकता है तो 50,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31-3-16 का मतलब है 1-4-16 कितना रुपया होगा 1-4-16 में अगर आप हमें आंसर करेंगे 20,000 सब्सक्रिप्शन इस 20,000 में से क्या बोला है 1500 आर स्टिल इन एरियर्स आउट ऑफ 20,000 1500 आर स्टिल इन एरियर्स ये 1500 कहां जाएगा प्रीवियस ईयर तो बताइए टोटल तो अभी पता कुछ करना नहीं तो यहाँ पे माइनस कितना कितना मिल गया हम लोग को 18,500 फिर बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 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 31-3-17 ऑन कितना रुपया 6,000 करंट ईयर 4,500 ठीक हो गया यहाँ पर फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31-3-16 कितना रुपया हम लोग का जल्दी से बता दीजिए प्लीज 8,000 का यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31-3-17 9,000 ये 9,000 को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे क्या चीज का आंसर आता है आईएनडी का कितना आया आप लोग का आंसर 35,000 ठीक है 7 सम्स प्रैक्टिस हो चुका और एग्जांपल भी प्रैक्टिस किया था क्या यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग सम्स के साथ सब्सक्रिप्शन के साथ बताओ जल्दी जल्दी बताओ हमको यार आइए क्वेश्चन नंबर 11 या फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो ट्राई कीजिए वापस से खुद से एकदम ध्यान से पढ़ के करना इस बार ट्राई हो गया भैया 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 Are you guys done with the sum? हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया नीरज आपको कोई डाउट है क्या
ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 13 जो भी आप कर रहे हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ हेल्थ क्लब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपने को निकालना है कितना रुपया सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 मतलब कब से कब तक का ईयर है अपना 1417 से लेके 31 3 18 ये यहां पे क्या लिखेंगे हम 1417 यहां पे क्या लिखेंगे हम 31 3 18 क्या लिखेंगे हम लोग RLP. नीचे क्या लिखेंगे हम लोग INT फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो चीज प्रीवियस ईयर करेंट ईयर टोटल प्लस हाँ ना इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इनकम बताई दिया सब्सक्रिप्शन से कितना रुपया का 1,20,000 अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/18 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/18 मतलब ये यहाँ पे आएगा यस या नो सर को क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 17 27,000 बताया है कितना रुपया एरियर में या कितना रुपया मिल गया ऐसा कुछ भी बताया है क्या आरओ में 27,000 प्रीवियस ईयर बिकेम 0 27,000 बी माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन ऑन तो कहां पे जाएंगे हमारे करंट ईयर भी 27,000 और 20,000 पे आप हम लोग क्या करते प्लस लास्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 17 ये RMP उल्टा बैकवर्ड कैलकुलेशन से निकाल लीजिए कितना आ रहा है आंसर बता दीजिए 1,27,000 सॉर्टेड है सब लोग के लिए गया A to Z बैच मेरा पूरा बैच क्लियर है हां भैया हां भैया ठीक है हम भी क्लियर है आपका तो विद दिस हम लोग ने आज 4-4-8 सम सॉल्व कर चुके हैं हम लोग ने सब्सक्रिप्शन का नेक्स्ट क्लास और 4-4 सम करके सब्सक्रिप्शन का टॉपिक को डीके गोल से खत्म कर देंगे क्या यहां तक सब लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्लासेस के साथ इज दिस ओके विद एवरीवन हाँ भैया हाँ भैया ओके